नफरत भुला दूं, वो भी तुम हिंदुस्तानियों से? अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दूं। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? रुक जाओ। छोड़ दे सकीना को। एक बार छोड़कर देख लिया, सोचा था बिछड़े बाप से मिलेगी, खुशी से झूम उठेगी, लेकिन आपने तो जीते जी मार डाला इसे। बकवास बंद कर, हमारे वतन में पैर रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इतने टुकड़े करूंगा कि पहचाना नहीं जाएगा। बहुत खून बहाया था तुम लोगों ने हमारे भाइयों का। क्या तुम लोगों ने खून नहीं बहाया था हम लोगों का? मेरे माँ बाप बहने सबको मार डाला था तुम लोगों ने, लेकिन वो एक जुनून था जो गुजर गया। आज मैं अपने प्यार को लेने आया हूं, अपने बच्चे की मां को लेने आया हूं। मैं नफरत भुला चुका हूं, आप भी भुला दीजिए। नफरत भुला दूं, वो भी तुम हिंदुस्तानियों से? अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दूं। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। पाकिस्तान की फौज को ललकारता है। आधा कश्मीर तो हमने हासिल कर लिया है, एक दिन पूरा हिंदुस्तान हमारा होगा। खबरदार, बाप बनकर बेटी को विदा कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है। वरना अगर आज ये जट पिकड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। कमीने, मार डालूंगा तुझे। मैं कहता हूं रुक जाइए, खुदा के लिए रुक जाइए। अशर साहब, आप हैवान हो गए क्या? आप सियासी लोग हैं, कसाई नहीं। मसले को बातचीत से भी हल किया जा सकता है। कलीम, इन्हें मेहमान खाने में ले जाओ। जी। अशरफ साहब, आप मेरे साथ आइए। सरफराज साहब, आप भी आइए। चलिए आइए। काजी साहब, अगर आपने मुझे रोका नहीं होता तो खुदा कसम उस कमीने की गर्दन तो मैंने उसी वक्त काट दी होती। अशरफ साहब, गुस्सा अकल को खा जाता है। आप सियासी लोग हैं, आपकी एक छींक भी अखबार की सुर्खी बन जाती है। जरा सोचिए, अगर वो जट आपके दरवाजे पे दम तोड़ देता तो अपोजिशन के हाथ बटेर लग जाता, और फिर सकीना की जान पे भी तो बना सकती थी। आपने ठीक कहा, जब सीधी उंगली से घी निकलता है तो फिर उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है। बहुत खुशकिस्मत हो तुम तारा सिंह, जो अल्लाह ने तुम्हें अपनी पनाह में बुलाया है, तुम्हें मुसलमान बनने का मौका अता फरमाया है। क्या सोच रहे हो, तुम्हें इस्लाम कबूल है? आदमी का सबसे बड़ा मजहब है अपनी बीबी और बच्चों की हिफाजत करना। तुम्हें इस्लाम कबूल है? काशी काबा एक है राम रहीम। तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है। भाई माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आओ मस्जिद में चलकर पूरे एतमाद और एतकाद के साथ कर। एक मिनट काजी साहब। इससे पहले कि इसे कदम पाक मस्जिद में पड़े, ये एतबार तो कर लिया जाए कि ये मुसलमान बनने के काबिल है भी या नहीं। अगर तुम्हें इस्लाम कबूल है तो ठीक है, कहो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद।
इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बकवास बंद कर, जब तक तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा, हमारे लोगों को कैसे यकीन होगा कि तू पक्का मुसलमान है? इस मुल्क से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है, उनके होठ और दिलों की धड़कने हमेशा यही कहती है हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? तकरीरें बंद कर, अगर तू हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा तो सकीना को हासिल नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया, अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो मैं सबके सर काट भी सकता हूँ।